कैसे आप करोगे मोटिवेट अपने लड़कों को नेक्स्ट मैच के लिए, क्योंकि आप जो डाउन रहे फील्डिंग में भी बॉलिंग में भी। और एक चीज बताइएगा हमें, जो ये वीरियम प्रीमियर लीग है कैसा लगा ये सेटअप आपको? ये बहुत ही अच्छा लगा हमें, क्योंकि हम फर्स्ट यहाँ पर आए, फर्स्ट हमारा टूर्नामेंट यहाँ था, तो इसलिए हमें ये अच्छा लगा। जो हमारी फील्डिंग है, हमारी जो मैं अपने फील्डिंग के कहना चाहता हूँ कि हमारे बॉयज है, क्योंकि वो फील्डिंग नहीं कर रहे थे, ऐसे ही खेल रहे थे, क्योंकि उनको ध्यान देना होगा फील्डिंग पे, और ज्यादा फील्डिंग पे ध्यान होगा और अपने बॉलिंग पे। जब ज्यादा फील्डिंग होगी अच्छी तो बॉलिंग आप ऐसे भी करो, तो जब फील्डिंग अच्छी होगी तो वे बॉलिंग कैसी भी चलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, वेल प्लेड। तो ढाका टाइगर्स के कैप्टन विनी कैप्टन एक पिंटू भाई, काफी नर्वस दिखे थे, आपके घर पर एक हमला हुआ जब आपने एक्सिट किया, अपने सपोर्टर्स का, अपने फैंस का। पहले हमारे टीम को बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा पिछले जो हार थी हमारी, क्योंकि हमारा जो टीम है उसके बड़े फैंस है, सपोर्टर्स है, हमने उनको मायूस कर दिया था पिछले मैच में। तो फिर मैंने अपने लड़कों को बताया हमें मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है टीम को बनाने में, आगे ले जाने में, और ग्राउंड में भी हमने मेहनत करनी है। तो इसी की वजह से हम सभी लड़कों ने मेहनत की, ये मेहनत का फल मिला हमें। तो आपने जो रियोनाइट किया इन लोगों को, तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो तो ऑलरेडी डाउन था, तो क्या क्या किया उसके उसके लिए आपने? पहले मैंने अपने लड़कों को बताया हमें हौसला नहीं हारना चाहिए, क्रिकेट में होता है, हार भी होती है, जीत भी होती है, हमने मैच हारा इसका मतलब ये तो नहीं हम हर कोई मैच हारेंगे, चलो इस मैच में हम ट्राई करेंगे, अपना 100% देंगे, इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत खुश हैं। मैन ऑफ द मैच, बेस्ट कैच। तो सबसे पहला अवार्ड जो है एक्स्ट्रा अवार्ड है बेस्ट कैच के लिए, तो बेस्ट कैच के लिए जाता है अवार्ड। तो मुंतजिर अमीन, कंग्रेचुलेशन। तो उनको अवार्ड देंगे, तो उनको अवार्ड देंगे खुद रियाज वेरी। शुक्रिया।